नमस्कार दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा ये रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज किया गया है और इसके अंदर बेसिकली जो एस फाइव मिसाइल सिस्टम है उसको प्रयोग करते हुए दिखाया गया जो कि रशिया ने कहा है कि इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया गया ये आप न्यूज देख सकते हो रशियाज एस फाइव मिसाइल सिस्टम हिट्स टेस्ट टारगेट तो ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा भारत ने ऑलरेडी जो पांच स्क्वाड्रन है एस 400 के उसका ऑर्डर दिया हुआ है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एस 500 और जो एस 400 जो हम मंगा रहे हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और यहां पर भारत के परस्पेक्टिव से हम आगे फ्यूचर में क्या देख सकते हैं तो काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है क्योंकि रशिया ने ट्यूजडे को ही बताया है कि उनका जो नया पूरा डिफेंस मिसाइल सिस्टम है एस फाइव हंड्रेड इसको यहां पर प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया गया और जो एग्जैक्ट टारगेट है वो हिट किया है अब आपको पता होगा जो S400 हो गया S500 हो गया ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर दिल्ली हो गया मुंबई हो गया इस तरह की जो जगह है अगर हमें उसे बचा के रखना है तो सपोज कल के डेट में कोई भी एनिमी कंट्री हमारे ऊपर हमला करता है तो जो एयर डिफेंस है वो हमारा मजबूत रहे तो ये जो पूरा सिस्टम है आपने देखा होगा क्या करता है कि जो रडार वगैरह हो गया इन सबके माध्यम से पहले ही ट्रैक कर लेता है कि कौन सा मिसाइल हमारे ऊपर अटैक करने वाला है अब ये मिसाइल कई प्रकार के हो सकते हैं चाहे आप बैलिस्टिक मिसाइल की बात करिए क्रूज मिसाइल की बात करिए या फिर इनफैक्ट अगर कोई फाइटर जेट है वो भी हमला कर रहा है तो उसको ट्रैक करके यहाँ पर जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए ताकि जो पूरा एरिया हम सुरक्षित करना चाह रहे हैं वो अच्छे से हो सके और इसके अंदर बताया जाता है कि रशिया का ये जो पूरा एस फोर जो डिफेंस सिस्टम है वो विश्व की सबसे ज्यादा मजबूत टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है अगर हम एस फाइव की बात करें सॉरी यहां पर 400 लिखा है इट इज 500. अगर हम एस फाइव की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 600 किलोमीटर बताई जा रही है मतलब जो रशिया ने अभी लेटेस्ट टेस्ट किया है 600 किलोमीटर का ये मतलब हुआ कि जहां पर ये इसको इंस्टॉल किया जाएगा इस पूरे मिसाइल सिस्टम को तो आसपास के 600 हंड्रेड किलोमीटर के रेंज में जितने भी एरिया आएंगे उसको ये कवर कर सकता है सुरक्षित कर सकता है ये इसका मतलब होता है और जैसा कि मैं आपको बताया कि विश्व का सबसे एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम एंटी मिसाइल क्यों क्योंकि जो मिसाइल अटैक करना चाह रहा है उसको एक प्रकार से खत्म कर देना डिस्ट्रॉय कर देना इसीलिए इसको हम कहते हैं एंटी मिसाइल सिस्टम और इसकी सबसे खास बात जो जो कि मैं आपको बता रहा था कि नो मैटर वो किस प्रकार का हमारे ऊपर अटैक हो रहा है चाहे स्पेस से कोई अटैक हो रहा है क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं लंबी दूरी के होते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आपने सुना होगा जिनकी रेंज पांच किलोमीटर लंबी होती है तो सपोज पांच किलोमीटर दूर से अगर कोई एनिमी कंट्री हमारे देश पर हमला करना चाहता है तो वो वो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है पहले स्पेस में जाता है और ग्रेविटी की मदद लेकर बहुत तेजी से हमारे ऊपर अटैक कर सकता है तो उसको भी ट्रैक करके डिस्ट्रॉय

बहुत ही करीब जो बॉर्डर है यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो इसकी लोकेशन भी आप ध्यान रखिएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें बोला गया कि जो हंड्रेड टारगेट है उसको प्रॉपर तरीके से इसने हिट किया है और इसके दो और नाम से भी बुलाया जाता है इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप देख पाओगे यहां पर दोनों नाम लिखे हुए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वीडियो फुटेज है वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है अगर हम एस फोर हंड्रेड की बात करें तो आपको पता होगा इस समय जो टर्की है वो यहां पर खरीद चुका है रशिया से और क्योंकि टर्की ने

अगले एक दो साल में जितने भी डिलीवरीज हैं एस फोर की वो पूरी हो जाएगी भारत को लेकिन इसका जो एग्रीमेंट अगर आपको याद हो 2016 में ही हमने कर लिया था और आगे चलकर बोला गया था कि 2020 में इसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए लेकिन कुछ बताया जा रहा था कि पेमेंट वगैरह के प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और अब दिसंबर 2021 से बताया जा रहा है लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एस और एस 500 में कि S 400 की जो रेंज है वो आप देखोगे तो इट इज 400 किलोमीटर मतलब 400 किलोमीटर के रेडियस में ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है और S

फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं ये एल आप देख रहे हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और यहां से अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट आते हैं और हमारे एस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो एस पहले ही हरकत में आ जाता है और उस एयरक्राफ्ट को यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत को भी भारत के भी जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत ने कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो राफेल फाइटर जेट है उसको खरीदने का निर्णय लिया था और इस रफ़ालल के अंदर मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक मिसाइल सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है हैमर इट इज एयर टू ग्राउंड मिसाइल मतलब कि ये फाइटर जेट के अंदर इंस्टॉल होगा जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा रेफेल है और इसके अंदर ये वाला पूरा जो हैमर सिस्टम हैमर का फुल फॉर्म हो गया हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज ये बेसिकली इंस्टॉल किया गया है ये क्या करता है कि रफेल को बहुत ज्यादा हाइट पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर रेफेल बहुत ज्यादा हाइट पर जाएगा तो जो चाइना के पास उनका खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है वो एयरक्राफ्ट को किल कर सकता है डिस्ट्रॉय कर सकता है इसके वजह से रफेल क्या करेगा कि बहुत नीचे हाइट में रहकर भी यहां पर इस पर्टिकुलर हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल की मदद से उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद कर सकता है तो ये जो रेफेल है वो बहुत ही गेम चेंजर साबित हो सकता है स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन होते हैं हिमालयन रीजन और चाइना के खिलाफ काफी अच्छा डिटरेंस हो सकता है और क्योंकि ये हैमर के अंदर जीपीएस सिस्टम हो गया जितने भी गाइडेंस सिस्टम है वो आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगा इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि ये जो हैमर मिसाइल है वो ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है जो, जो फ्रांस है वो भारत के साथ ज्वाइंटली डेवलप करने के लिए भी रेडी हुआ गया है कह रहा है कि

और अमेरिका के साथ बातचीत करके रखी जाए क्योंकि अमेरिका को जैसा कि आपको पता है वहां पर जो कानून है काटसा वगैरह उसके हिसाब से अगर कोई देश रशिया से परचेज करता है डिफेंस सिस्टम तो जो यूएस है वो भारत के ऊपर सैक्शन लगा सकता है लेकिन वो बातचीत बैकग्राउंड में चल रही होगी जो भी है तो पहले तो हमें उसको लाकर यहां पर सुरक्षित करने की आवश्यकता है और आगे चलकर मे भी हो सकता है कि हम एस फाइव हंड्रेड की भी डील रशिया के साथ कर लें क्योंकि रशिया के साथ हमारा काफी पहले से यहां पर जो भी डिफेंस डील है वो होते आ रहा है जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर चार मिसाइल के नाम आपको दिख रहे होंगे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो पाथ है वो कुछ यूं इस तरह आपको देखने को मिलेगा और क्रूज जो मिसाइल होता है वो सिंपली आपका इस तरह से ट्रेवल करता है तो कौन सा इन चारों में से बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है ये आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली को डाउनलोड करिए हमारे स्टडी आईकू डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारी कोर्सेस आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाती हैं आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है